नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। थाना बेहटा गोकुल के अंतर्गत ग्राम हुसैनापुर रेलवे क्रॉसिंग लाइन के पास नहर पुल के नीचे मिला लावारिश शव। मृतक का नाम गौतम कुमार 27 तारीख से गायब हुआ है, शहवाद का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। वही मृतक के बड़े भाई से मुलाकात हुई, तब उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ था, वह 27 तारीख से गायब था। आज जब सूचना मिली कि एक अज्ञात शव मिला है शारदा नहर में, तो घर में कोहराम मच गया। जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि किसी से दुश्मनी थी, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और उनका यह भी साथ में कहना है कि इसकी हत्या हुई है। उमेश शुक्ला, क्या हुआ मामला? मामला ये लड़का जो था घर से करीब 7 बजे, मतलब क्लियर टाइम नहीं, 7:30 के लगभग घर से निकला जी। अच्छा, वैसे शहवाद प्रॉपर है तो मतलब आदमी सड़क पर कुछ लेने या क्या मतलब निकलता है, तो ये वहाँ से चलाया। हम चले गए थे एक शादी में, और वहाँ मतलब शादी में जब चले गए तो वहाँ इन लोगों ने हमको फ़ोन किया कि आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। बस वहाँ से मैं आया तो मैं ढूंढने लगा इधर उधर, मतलब ढूंढता रहा कि ये भाई कहाँ गया होगा। फिर ये बड़ी नहर और इधर हर पुल, मतलब देखते ढूंढते रहे, कोई जानकारी नहीं मिली। 27 तारीख से आज तक, आज सुबह यहाँ से इन लोगों ने, रिश्तेदारी है शहादत नगर में, तो यहाँ के लोगों ने जब देखा होगा कि भाई एक लाश पाई गई है, तो हम लोग जब आए पुलिस को सूचना दी, इन्फॉर्म किया, आए फिर निकलवाई। तो घर में कोई लड़ाई वगैरह हुई थी? घर से कोई लड़ाई नहीं हुई। अब इसको किसी व्यक्ति पे कोई शक? बिल्कुल शक संदेह है, लेकिन वो मैं आज पीएम होने के बाद में कंफर्म करूँगा। शक पूरा नहीं, शक नहीं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी हत्या की गई। मृतक का क्या नाम था? मृतक गौतम कुमार। आपका कौन है? भाई हमारा। ठीक है, धन्यवाद। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।